हमारी हेयर डाई पकते पकते कुछ ऐसी हो जाएगी, और बस इसको थोड़ा सा और पकाना है। उसके बाद आपको रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसका जितना भी आयरन है सब इसमें मिल जाएगा, और सुबह हम इसको अप्लाई करेंगे अपने बालों में। बहुत इफ़ेक्टिव हेयर डाई है बिकॉज़ कि नेचुरल है, तो आपके जो बाल काले से सफ़ेद हो गए हैं उनको वापस से काला कर देगा, और बाकी जो बचे खुचे बाल हैं उनको सफ़ेद नहीं करेगा, उनमें भी एक नेचुरल शाइन ऐड करेगा। तो आप इसको बिना डरे, बिना रुके, बिना कुछ सोचे आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। आंवला रीठा शिकाकाई, दादी नानी के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली चीज़ें, और हमारी दादी नानी के बाल कितने लंबे और घने होते थे, शायद आज हम लोगों के नहीं हैं। वो लोग ब्यूटी पार्लर में हेयर स्पा नहीं कराती थी, वो लोग बहुत सारे केमिकल नहीं यूज़ करती थी, तभी उनके बाल इतने अच्छे होते थे, पर वो भरोसा करती थी प्रकृति पर, और हम भरोसा करते हैं केमिकल पर। सोच का फ़र्क है ना, और वही सोच का फ़र्क कहीं ना कहीं हमारे बालों में भी फ़र्क लेके आ रहा है। कोई बात नहीं, आपकी सोच के फ़र्क को मैं ख़त्म करती हूँ और आपको इन सब चीज़ों के फ़ायदे बताते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लग जाए आपको तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बनाना बताऊंगी होममेड केमिकल फ्री अमोनिया फ्री नेचुरल हेयर डाई। बिकॉज आजकल के जो हमारा वातावरण है, हमारा जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, हेयर स्पा यूज़ करते हैं, बहुत से केमिकल बालों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले काले से सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारी उम्र नहीं होती है बुढ़े होने की, फिर भी हम बुढ़े हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको होममेड नेचुरल डाई बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके बालों में कोई हार्म नहीं होगा, कोई अमोनिया, कोई केमिकल नहीं है, और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, वीक में एक बार यूज़ करते हैं, दो बार यूज़ करते हैं, तो आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे, और आपके बाल में एक शाइन भी ऐड होगी और बालों की ग्रोथ भी होगी। तो इस हेयर डाई को आप बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपको आसानी से पंसार की शॉप पे मिल जाएगा, और इन सब चीज़ों से आपकी पुरानी जान पहचान है, और अगर आपकी नहीं है तो आपकी दादी नानी और आपकी मम्मी की तो ज़रूर होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेमेडी को। हेयर मास्क बनाने की मैं विधि आपको बताती हूँ। आप इसको हेयर मास्क भी बोल सकते हैं और आपको इसको हेयर डाई भी बोल सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो बोल लें। पर सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है आपके सामने, और इसकी जो बनाने का प्रक्रिया है बहुत आसान है, बहुत झंझट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुछ चीज़ें अगर अच्छी चाहिए तो अपने आप पर थोड़ी मेहनत करिए, हर बाजारी चीज़ पर डिपेंड रह करके अपनी चीज़ों को मत खोइए। तो हम आंवला रीठा शिकाकाई, तीन चीज़ें हमको चाहिए, और हमको चाहिए लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो हमारे बालों पे लगेगा तो हमारे बालों को वापस से काला करेगा, लंबा करेगा और घना करेगा, क्योंकि आयरन हमारे बालों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके शरीर में आपके लिए पानी। तो हम इसमें डालेंगे आंवला रीठा शिकाकाई और बनाएंगे अपनी हेयर डाई। तो कढ़ाई के लिए हमको चाहिए आंवला रीठा शिकाकाई। तीनों की अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अपने अलग अलग गुण हैं, अपनी अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, पर उन सब विशेषताओं को जब आपस में आप मिला दोगे तो एक अद्भुत सा पेस्ट बन जाएगा और आपके बालों को काला करने का चमत्कारी काम करेगा। चलिए मैं इसको बनाना बताती हूँ। मैंने अपनी कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑन होते ही हम इसमें डालेंगे पानी। डाल दिया है ये बॉटल मैंने, पूरी पानी डाल दिया है इसमें, ठीक है। अब इस खाली कटोरी में हम अपने बालों के हिसाब से, मेरे बाल बड़े हैं तो मैं ज़्यादा मात्रा में लूँगी, तो लेकिन हमको सबकी इक्वल क्वांटिटी चाहिए। हमको इन तीनों की बराबर बराबर मात्रा लेनी है। आपके बाल जिस भी हिसाब के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सब तीनों की आपको बराबर मात्रा लेनी है। मेरे बाल बड़े हैं तो मैं ज़्यादा मात्रा में लूँगी, पर तीनों की बराबर मात्रा लूँगी। मैंने तीनों पाउडर तीन तीन चम्मच ले लिए हैं बराबर मात्रा में, तीन चम्मच आंवला, तीन चम्मच रीठा और तीन चम्मच शिकाकाई।
तीनों की बराबर मात्रा लेंगे। अब मैं आपको इनके गुण बता देती हूँ। आंवला पाउडर होता है जो हमारा फुल ऑफ विटामिन सी होता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है जो हमारे बालों के पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे जो बाल ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है बालों की, वो इसके कारण ही होती है। सेकंड पाउडर हमको चाहिए रीठा। रीठा में अच्छी मात्रा में आयरन होता है और आयरन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कहीं इसको पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ। आपके बालों को ये आयरन देता है और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उससे भी छुटकारा देता है और आपकी स्कैल्प की सफाई अच्छे से करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपके बाल झड़ते हैं उसका कारण आपके बालों में गंदगी जमा होती है जो आपकी जड़ों को कमज़ोर कर देती है और आपके बाल टूटने लगते हैं। कई बार हम शैम्पू बहुत अच्छे से साफ नहीं करते हैं और शैम्पू हमारे स्कैल्प में जमा रहता है और डैंड्रफ में तब्दील हो जाता है। थर्ड शिकाकाई। शिकाकाई के तो अपने अलग ही अद्भुत ही गुण हैं। इन दोनों पाउडर्स को अच्छे से सोखने में ये मदद करेगा और जो आंवला कालापन छोड़ेगा उसको ये उसको मेंटेन रखेगा, आपके बालों में ऑब्जर्व करेगा और आपके बालों में एक नए प्रकार की चमक लेकर के आएगा। तो इन तीनों के अपने अलग ही फायदे हैं और अगर आप कुछ फ़ायदे समझ में नहीं आए हों और मेरे से कुछ फ़ायदे रह गए हों तो वो फ़ायदे आपको दादी और आपकी नानी ज़रूर बता देंगी। आपकी मम्मी भी बता सकती हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत बताए हैं। मैंने इन पाउडर्स की बराबर मात्रा ले ली। हमारे पानी में उबाल आ गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हम इसमें इस पाउडर को डाल देंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा ये पानी आधा ना रह जाए। इसको अच्छे से मिला दीजिए और इसको अब आप बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि ये नीचे बैठ ना जाए। और इस पानी को हमको पूरा आधा करना है, आधे से भी कम रह जाए बिल्कुल। और पूरे तत्व गुण जो भी इनकी विशेषताएं हैं, जो भी इनके अंदर अपनी अद्भुत विशेषताएं हैं, वो इसमें जब छोड़ देगा तब हम इस गैस को बंद करेंगे। हो सकता है कि आपकी गैस ज़्यादा खर्च हो पर लेकिन आपके बाल बच जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए इसको पकने दीजिए धीमी आँच में और हम इसको पकने देते हैं आराम आराम से। बीच बीच में हिलाते रहना है और मैं इसको पकने के बाद इसका रंग आपको दिखाऊं। हमारी हेयर डाई पकते पकते कुछ ऐसी हो जाएगी और बस इसको थोड़ा सा और पकाना है। उसके बाद आपको रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसका जितना भी आयरन है सब इसमें मिल जाएगा और सुबह हम इसको अप्लाई करेंगे अपने बालों में। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी हेयर डाई कुछ ऐसे कलर में हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक कलर में। मैंने इसको 8-10 घंटों के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था तो ये बिल्कुल से ब्लैक कलर हो चुका है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये ब्लैक कलर को अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा दही मिला सकते हैं। दही से आपके बालों को नरिशमेंट मिल जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप चाहें तो आप दही मिला सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ड्राई और फिजी हैं तो आप इसमें कर्ड मिला के लगाइए बालों में। इस हेयर डाई को लगाने के लिए आपको चाहिए ब्रश। अगर आप ब्रश से नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने हाथों से लगा सकते हैं। फिर हाथों से लगाएंगे, इसमें आंवला है तो आपके नेल्स और आपके हाथ काले हो जाएंगे, तो आप ग्लव्स यूज़ करिए या फिर आप ब्रश की हेल्प से लगाइए। और हमको इसको लगाना है सिर्फ रूट्स में, मतलब पूरे बालों में आप लगा सकते हो पर रूट्स में आप लगाओगे तो, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो जड़ से उगते हैं और जड़ ही हमारी मोस्ट पहले सफ़ेद होती हैं। जो हमारी रूट्स होती हैं सबसे पहले वही हमारी वाइट होती है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको जड़ में लगाइए, क्योंकि अगर आपकी रूट्स काली होंगी तो आपके बाल भी काले ही उगेंगे। तो हम इसको जड़ों में लगाएंगे और उसको लगाएंगे कैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, मेरे पास ब्रश है जैसे आप हेयर डाई लगाते हैं बालों में ना, बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लगाना है इसको, अपनी जड़ों पे लगाना है। कि नीचे तक के तो बाल हमारे ब्लैक होते हैं, रूट से ही हमारे बाल वाइट होने लगते हैं, तो आपको इसको बालों के रूट में लगाना है। ऐसे मैं अपने पूरे बालों में लगा दूंगी, इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको पूरे बालों में लगा लिया है। मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी सारी रूट्स में लगाऊं, कि जड़ों में लगाने से क्या होगा कि हमारे बाल जो नए उगेंगे वो काले उगेंगे और जो सफ़ेद बाल एक आध हो गए हैं तो वो काले होने की कोशिश करेंगे। तो आप लगाइए, अगर पूरे बालों में नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, पर जड़ों में ज़रूर लग जाए।
हमारा मेन है, हमारी रूट्स काली होंगी तो हमारे हेयर्स भी काले होंगे। तो मैंने इसको लगा लिया है, मैं इसको शैम्पू करूँगी, पर शैम्पू करने के बाद मैंने इसको लगा लिया है, इसके बाद मैं इसको सिंपली वाटर से वॉश कर लूँगी, शैम्पू नहीं करूँगी। अगर शैम्पू हम कर लेंगे तो इसका जो ब्लैक छूटेगा बालों में वो निकल जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट डे ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करेंगे। अभी हम इसको सिर्फ सिंपली वाटर से वॉश करेंगे 45 मिनट्स के बाद। ठीक,